हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये एक्चुअली जो मैंने ऐड किया है क्लिप, ये मेरा नाइट का क्लिप है। रात को मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने मिट्टी की कढ़ाई ली है और इसमें ऐड किया है ढेर सारा बटर। देखने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी सारा था। बटर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बटर को गर्म करते हैं तो बटर जल जाता है। तो बस पैन आपको गर्म कर लेना है, और गर्म पैन होते ही उसमें बटर ऐड कर देना है। और बटर में फिर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा सरसों का दाना, थोड़ा सा जीरा। इसके अलावा अभी इसको थोड़ा थोड़ा चला के इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि जल जाएगा, लेकिन चलाते रहना है, जलाने से बचाना है। तो और इसके बाद मैंने चॉप किया हुआ था प्याज और लहसुन। जैसे कि आजकल ठाकुर जी घर पे नहीं है ना, तो बड़ा अजीब सा मन हो रहा है मेरा भी, और बच्चों को तो प्याज खाने को मिल रही है, दबा के हर चीज़ में प्याज डाल रही हूँ। तो लहसुन और प्याज को थोड़ा सा भून लेना है कच्चा कच्चा सा। फिर ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर, और मैंने प्याज और टमाटर दोनों ही मोटे मोटे कट किए हैं, बारीक कट नहीं किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैंने मोटी मोटी शिमला मिर्च कट की हुई थी, लंबी लंबी की हैं सारी चीज़ें। तो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैं जो ये पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, ये भी मेरी खुद की इन्वेंशन है। मतलब मैं कुछ भी कहीं भी कैसे भी डाल देती हूँ सब्ज़ी, ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को रोज़ नया कहाँ से ला के दूँ। तो सब्ज़ियाँ मिक्स करने के बाद ऐड किया इसमें नमक। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जैसा भी आप खाते हैं। और फिर से अच्छी तरह से इसको चला देंगे। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चटोर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। अभी आती है मसालों की बारी। तो डालेंगे लाल मिर्ची कलर वाली, जैसा कि मैं बताती हूँ मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और साथ में ऐड कर देंगे हल्दी, और फिर से इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं आपको रेसिपी भी शेयर करती जा रही हूँ, साथ में गप्पे भी मारती जा रही हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि स्टार्ट नहीं कर रही हूँ मैं व्लॉग। अदरवाइज़ मैं फ़ेस टू फेस आती थी और व्लॉग स्टार्ट करती थी, बट आजकल थोड़ा सा गर्मी की वजह से भी कह लो, थोड़ी सी परेशान भी हूँ, कुछ घर जाने का वजह से मूड भी ख़राब था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं ऑन कैमरा नहीं आ पा रही हूँ ज़्यादा सामने। तो अभी मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, और साथ में हल्दी, सॉरी गरम मसाला मिलाया है। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा मिलाया है, ज़्यादा नहीं, बस खुशबू आए इतना ज़्यादा। अदरवाइज़ मसाले, गरम मसाला तो वैसे भी गर्मी में बहुत कम खाना चाहिए। अभी जब आपके मसाले अच्छी तरह से भुन गए, फिर ऐड करेंगे इसमें पानी। और मैंने पानी गर्म ऐड किया है, ठंडा पानी मैंने ऐड नहीं किया है। तो आप ठंडा भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे पास मैंने गर्म ही कर दिया। अभी मैंने क्या किया, बहुत सारा क्रश करके पनीर रखा हुआ था, और वो पनीर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको फिर ना धीरे धीरे करके चलाएंगे, और इसमें जो ये गांठें बन गई थी इनको फोड़ेंगे। जब क्रश किया था तब तो नहीं थी, बट पता नहीं कैसे करके ये गांठें बन गई। तो इसको मैं धीरे धीरे चलाऊंगी और फोड़ दूंगी गांठों को। और सच में ये ना बहुत टेस्टी बना था, मुझे मतलब खुद भी नहीं लग रहा था ऐसा बन जाएगा। और ये दूध फट गया था उसका, मैंने पनीर निकाला था, पनीर था भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था। अभी इसमें ऐड किया मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जितनी मैं रूटीन में डालती उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, और थोड़ी ज़्यादा बस मुझे खुशबू आई तो मैंने और थोड़ी सी और ऐड कर दी थी, बस ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था। इसको दम लगाने के लिए मतलब गरम ढक के रख देंगे और बनने देंगे। उधर मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी, और सॉरी मेरा कैमरा, मुझे भी नहीं पता लगा कि कैसे इतना दूर रह गया, तो वहाँ पे तड़का लगा रही। तो ये मेरी लोहे की कटोरी है, इसमें मैंने लिया सरसों का तेल, फिर इसमें ऐड किए खड़े मसाले, काली वाली जो बड़ी इलायची आती है वो, छोटी हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, और मसालों को भून के अच्छे से फिर मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको ढक दूंगी। उसके बाद वापस से चला दूंगी अच्छी तरह से। और ये जो मेरे ढकने वाली प्रोसेस थी वो शायद मैंने कहीं स्किप कर दी, जो मेरी वो थी क्लिप। तो बस इसको तड़के को सबको पता है वो कैसे लगाते हैं, ढक के रख देते हैं और तड़का एकदम से आपका मस्त हो जाता है। अभी मैंने इसमें बड़े बड़े, मैंने लंबे लंबे पनीर कट करके रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए हैं, और वापस इसको 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। और 5 मिनट बाद जब मैंने ये सब्ज़ी खोली, रियल में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। पनीर भी एकदम से सॉफ्ट था, बल्कि बच्चे आज कह रहे थे मम्मी आपने तल के डालना था, तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो तल के डालूँगी। और उनको तल के इसलिए डलवाना होता है, एक्चुअली वो कच्चा खाते हैं, तो इसलिए उनको तल के डलवाना था। तो सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, और अब मैं बनाऊँगी राइस। तो कढ़ाई को खाली करके मैंने उसी कढ़ाई में चावल बनने रख दिए थे, हल्की सी हल्दी डाली थी, थोड़ा सा नमक, और दम लगाने के लिए छोड़ दिया था चावलों को। और डिनर बहुत टेस्टी बना था। स्टार्ट करते हैं व्लॉग। यहाँ पे चल रहा है प्लम्बर का काम। एक्चुअली सर्दियों में ना वो गीज़र लगा हुआ है हमारा किचन में, वो ख़राब हो गया था,
तब तो नहीं कराया था क्योंकि जब तक सर्दियां जा चुकी थी, तो अभी उसका कनेक्शन ठीक करा रहे हैं। और उसके साथ में वो जो रखा हुआ है ना, वो मिक्सी है मेरी जो अभी तक एज इट इज़ पैक रखी हुई है। ये गिफ्ट मिली थी, और गिफ्ट भी इन्होंने दी थी, किसी और ने नहीं दी थी, तो वो अभी एज इट इज़ पैक रखी है, नई की नहीं, अभी निकाली नहीं है मैंने उसको। पिचकी मारी है इसको, ये हो रहा है मेरे साथ शैतानी करो। हाँ कौन शैतानी करता, बदमाश बच्चा। ड्रिंक लोगे खुद, लो बेटा फिर, टुक्कू अंकल को कोल्ड ड्रिंक दो, टुक्कू आओ ले, ये डैडी को दे दे। नहीं बेटा फिर भी देखना होता है, वो रॉक्सी का भरोसा है। आज ये घर आया था पानी का कनेक्शन, एक्चुअली बताया ना प्लम्बर आया तो बहुत सारे काम कराए थे, फिर यहाँ पे ये भी कराया है सारा, और कितना सारा कटिंग हुई है ना। अभी मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये इवनिंग का टाइम है, शाम हो रही है, आज प्लम्बर आया हुआ था तो सारा दिन उसमें निकल गया, बहुत ज़्यादा बिजी रहे तो ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं हो पाया। मैं बाहर की सफाई कर रही थी, मैंने सोचा चलो अभी ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, दो चार क्लिप छोटी मोटी ले ली हैं, बट जैसे एक रूटीन होता है वो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ आज। अभी शाम को आगे भी तो बहुत लंबा टाइम है, देखेंगे क्या होगा। गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है, कल दो चार बूंदें आई उनकी वजह से और ज़्यादा गर्मी हो गई है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि जान ली हुई है। और रात को लाइट ऐसे तो ठीक थी बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, गर्मी का बहुत बुरा हाल है। मेरी आज की टिकट थी वो भी मैंने कैंसिल करा दी है, सम पर्सनल रीजंस कि मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत सैड हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे, जब भी जाएंगी, या फिर हो सकता है पापा आए या मम्मी आए, जैसा भी होगा। आज लंच में तो कुछ बना ही नहीं है, सुबह सिर्फ पराठा बनाया था और रात की सब्ज़ी रखी हुई थी तो उसी से खाना खाया है, तो सुबह से इसी काम में लगी हुई हूँ। मतलब सारा घर ना इतना गंदा हो रहा था, इतना बुरा हाल था घर का बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर हम बाहर खुले में आके व्लॉग शूट नहीं करे तो मुझे भी अजीब लगता है। और बाल ना मेरे गीले नहीं है, ना तेली लगाए हुए, ये पसीना है सारा जो मेरे बालों में आया हुआ है। बट आज सैटरडे, आज मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, कल सुबह ही करूँगी या पॉसिबल कि रात को कर लूँ। और कल रात से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, माइग्रेन का दर्द था। कल मैं ब्लॉग भी एंड नहीं कर पाई थी अपना, इसी वजह से कि बहुत तेज ये सारा सर मेरा दर्द कर रहा था, बहुत भयानक वाला। रात को बस मैंने बाहर मार्केट से आके डिनर वगैरह किया और बच्चों को लेके लेट गई और कुछ भी नहीं किया था। और सुबह भी उठी तो बहुत दर्द था, बहुत, ये आँख भी नहीं खुल रही थी मेरी दर्द की वजह से। तो अभी थोड़ा सा आराम है, लेकिन जैसे अभी गर्मी में ज़्यादा काम कर रही हूँ ना तो फिर मेरे को सर दर्द होने लगा है। और बाहर से ये मशीन की आवाज़ आ रही है, कारपेंटर लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे घर नहीं बाहर कहीं पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बचा बाकी बचा कुचा व्लॉग। रॉक शो झटका मारेगी बहुत ज़ोर से, उसको खेलना है। जान के फेंक रहे हो तुम उधर, घास में जाओगे फिर मच्छर काटेंगे और मेंढक आ जाएगा उधर से। हाँ जी मैडम, क्या हाल चाल? ये देखो कहाँ जा रहा है गंदा बच्चा, ये देखो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास है और वहाँ जा रहा है। बॉल की वजह से डर भी नहीं लगता, वैसे नहीं जा सकते हैं। नहा लो चलो, बहुत देर हो गई खेलते हुए बाहर। रॉक्सी, रॉक्सी ने इस एरिया की पूरी घास ख़त्म कर दी, कूद कूद के यहाँ सारे में लगी हुई है वेलवेट वाली, बट ये देखो इसने यहाँ पे पूरी मिट्टी मिट्टी की हुई है। है शोने, शोनी चल रहे, देखो आ गई तेरी गाय, अब इधर भोंक, आ जा इधर, आ गई अब इधर भोंकना, गाय दुश्मन है इसके। अभी ये लेके आए हैं समोसे, ऐसे तो गर्मी बहुत है लेकिन ये ले आए पता नहीं क्यों, तो अभी हम खाएंगे समोसे। और साथ में मैंने बना के रखी हुई है चिल्ड लस्सी जो मैं पीने वाली हूँ, मेरा लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा मन है, मीठी लस्सी मैंने बनाई है। डिनर वगैरह सब हो गया है और मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड कर लेती हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आपको पता है गर्मी में खुद ही मन नहीं कर रहा अंदर आने का, बाहर हवा तो चल रही है बट बहुत थोड़ी बहुत है, बारिश आई थी करीब ऐसे आई होगी 10 मिनट के लिए और सारे में गंदा गंदा कर गई और कुछ भी नहीं कर रही है बारिश।
मेरे तो कपड़े भी गंदे कर गए कपड़े सारे मेरे रखे हुए थे बाहर, मैंने कहा धोए थे एक्चुअली मैंने थोड़े से कपड़े, और जो बाकी के थे वो भी मैंने कहा इकट्ठे उठा के ले जाऊंगी सारे, और वो भी गीले हो गए वो भी गीले हो गए, मुझे उनको दोबारा पानी में निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल दूंगी जैसा भी होगा देखेंगे। इसके अलावा यार गर्मी ने ना ऐसे ऐसे जान ली हुई है ना, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस बार तो कुछ अलग सी गर्मी है ऐसी वाली, मतलब मैं कभी अपने घर जाती थी ना तो मैं बोलती थी कि जून के महीने में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती, मतलब मायके में ज़्यादा गर्मी लगती थी, ससुराल में कम यहाँ पे कम लगती थी, ससुराल और मायका एक ही जगह है मेरा तो कम लगती थी, बट इस बार ये हो रहा है कि इस महीने में मतलब जून में यहाँ भी वैसे ही गर्मी लग रही है जैसी घर पे लगा करती थी। और मैंने अभी समोसा खाया ना तो मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता, और मैंने एक ही समोसा खाया है ज़्यादा नहीं, प्लेट में आपने दो देखे थे वो तो मैंने बच्चों को दिए थे, मैंने एक ही खाया है, खाया ही नहीं, मतलब कि एक भी नहीं खाया पूरा, खाया ही नहीं जा रहा था। हाँ मैंने लस्सी पी है क्योंकि लस्सी मीठी वाली लस्सी थी और मन भी था ठंडा ठंडा कुछ पीने का तो मैंने लस्सी पी ली थी। तो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल आपके अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शायद आज नेक्स्ट जो आपको व्लॉग मिले वो मेरा कोई और मिले, हो सकता है एज इट पॉसिबल, आज की भी मेरी टिकट है तो वेट कर रही हूँ अगर शायद मैं जाऊँ। बाय बाय।